दोस्तों आप भी अगर योनो एस बी आई एप्लीकेशन को लॉग इन करते हो और लॉग इन करने के टाइम कुछ इस तरह सा प्रॉब्लम लिख के आता है चेंज योर लॉग इन पासवर्ड तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकती हो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा ऑनलाइन एस बी आई उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसियल वेबसाइट पे जाना होगा यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल बैंकिंग के अंदर लॉग इन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप लॉग इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको दोबारा से कंटिन्यू टू लॉग इन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद गैस आप लॉग इन पेज पे आ जाओगे यहाँ पर आपको हरकॉर्ड यूजर नेम और लॉग इन पासवर्ड लिखा है ना यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा फॉरगट माई लॉग इन पासवर्ड तो इसको आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना अकाउंट डिटेल्स एंटर करना होता है जैसे कि आपका यूजर नेम अकाउंट नंबर कंट्री और साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके इमेज का जो कैप्चा कोड है ना उसको यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप सबमिट करते हो आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा ओटीपी को एंटर करके आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन के जरिए आप अपना लॉग पासवर्ड को चेंज कर सकती हो यहाँ पर आपको कार्ड प्रोफाइल पासवर्ड और आप ब्रांच के थ्रू भी कर सकती हो लेकिन आपको ऑनलाइन घर बैठे करने के लिए यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड और प्रोफाइल पासवर्ड दो ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है लेकिन ये दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एटीएम कार्ड डिटेल्स को तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर को सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका डेबिट कार्ड एक्टिव है उसको सिलेक्ट करने के बाद कार्ड को कंफर्म करना है और यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड को वेलिडेशन करना होगा उसके लिए यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर नेम को एंटर करना है जो भी आपका का है ना, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा अगर फेल होता है तो आपका डिटेल्स कोई गलत होगा इसीलिए फेल होता है यहाँ पर आपको सक्सेस होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पर आपको इंतजार करना है ये आपको ऑटोमेटिक डायरेक्ट करेगा नया लॉग इन पासवर्ड बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नया लॉग पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है दोबारा से आपको पासवर्ड को रि करके पासवर्ड को कन्फर्म करना है फिर यहाँ पर आपको सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है जैसे आप दोस्तों नया वाला पासवर्ड क्रिएट करते हो और उसको सबमिट करते हो यो लॉग के आ जाएगा अभी आप नया वाला पासवर्ड के जरिए लॉग कर सकती हो पहले मैं वो भी लॉग करके आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करना है आप चाहे तो एमपिन के जरिए भी लॉग कर सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको लॉग यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम को एंटर करना है और अभी आपने जो लॉग पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके आपको लॉग इन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है देखिए दोस्तों जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर सक्सेसफुल यूनो एसबीआई एप्लीकेशन के अंदर लॉग हो जाओगे अगर आप चाहते हो एम के जरिए भी लॉग करना तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको दोबारा से एम को रिसेट करने की जरूरत नहीं है वही ओल्ड वाला एमपिन रहेगा आपको सिर्फ पासवर्ड को चेंज करना है यहाँ पर आपको दोबारा से जो भी मेरा ओल्ड एमपिन था, था उसको यहां पर मैं एंटर करता हूं और आप देख सकते हो दोस्तों मैं यहां पर सक्सेसफुली बैलेंस भी चेक कर सकता हूं और लॉग भी कर सकता हूं